और वो बालू भरता था उससे मेरी फीस ले आया हमारा हाथ कांप गया हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर खान सर झूठे आदमी हैं नंबर वन खान सर पे ये सवाल उठ रहा है कि खान सर यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं जय हिंद दोस्तों मैं दीपक सिन्हा आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पे चर्चा करने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान से समझिएगा ध्यान से सुनिएगा एक एक बात आपके जीवन को आज प्रभावित करने वाला है क्योंकि ये मैटर ये मुद्दा ये मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है और थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूं खान सर पे सवाल उठ रहा है कि खान सर झूठे आदमी हैं नंबर वन खान सर पे ये सवाल उठ रहा है कि खान सर यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं तीसरी बात खान सर बहुत पैसे कमा रहे हैं खान सर बिल्कुल पब्लिसिटी कर रहे हैं ये चौथी बात हो गई कपिल शर्मा शो में जब से खान सर गए हैं तब से विवाद जो है उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है वैसे भी खान सर हमेशा विवादों में ही बने रहे हैं यानी खान सर का विवादों के साथ जो नाता है वो बहुत ही पुराना है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खान सर ने जो कुछ भी आज तक अपने बच्चों के लिए आई मीन अपने स्टूडेंट्स के लिए किया है वो अपने आप में नो no डाउट बहुत बड़ा काम है लेकिन उनके जो आलोचक हैं और जिस तरीके से और जिस स्तर पर वे आलोचना कर रहे हैं अपने आप में कई सवाल तो पैदा करता ही करता है मैं उन तमाम चीज़ों पे नज़र रखा हुआ हूँ और तमाम चीज़ों को पढ़ने समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मैं एक वीडियो बना सकूं खान सर के बारे में और ये बता सकूं आप लोगों को कि क्या वास्तव में ये पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति दस हज़ार रुपए में यूपीएससी लेवल का कोचिंग क्लास दे सके दोस्तों देखिए पॉसिबल वास्तव में है या नहीं ये आपको खुद से विचार करना है मैं परिस्थितियों को आपके सामने मैं रखूंगा आपको खुद से समझना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है खान सर के बारे में जो ये बातें लोग फैला रहे हैं कि दस हजार रुपये में यूपीएससी लेवल का कोचिंग देना मुश्किल है अगर कोई दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा है मैं पूछता हूँ उन लोगों से जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और जो सस्ती लोकप्रियता के लिए जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स या कोई भी या मीडिया जो लोकल मीडिया है या जो भी चीज़ें हैं इस तरह का जो विमर्श कर रहा है इस तरह का जो चर्चा कर रहा है ये क्यों कर रहा है आखिर खान सर ने जो फैकल्टी बनाया है यूपीएससी का उसमें अच्छे से अच्छे टीचर्स को उन्होंने रिक्वेस्ट किया और वे पढ़ा रहे हैं अब मणिकांत सर कौन नहीं जानता है मनी कांत सर को वो हिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान हैं बिल्कुल वे दृष्टि आई में उनका क्लासेस होता रहा है और वे एक बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे टीचर रहे हैं इसमें कहीं कोई शक नहीं है राजेश मिश्रा सर हैं तो ये जो फैकल्टी है ये जो भारत के क्रीम लोगों को खान सर ने रखा हुआ और खान सर ने हर मंच से इस बात को बिल्कुल ऐलान किया है कि जो सबसे बेस्ट होगा वो हम अपने कोचिंग में बच्चों के लिए रखेंगे यानी जो बेस्ट फैकल्टी इंडिया की रहेगी या जो बेस्ट फैकल्टी जो भी कोचिंग रखते हैं जिन्हें बहुत अच्छा कोचिंग माना जाता है सबसे अच्छा माना जाता है तो जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं वही टीचर खान सर के ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएंगे दरअसल ये पूरा मामला कोई बिजनेस का नहीं है अगर जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि खान सर खूब पैसा कमा रहे हैं खूब पैसे छाप रहे हैं खूब पैसे बना रहे हैं और खूब पैसे बनाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं तो मेरी जो अपनी समझ है उस आधार पे मैं अपना जो ओपिनियन बनाता हूँ इस पर वो ऐसा नहीं है कि खान सर कोई पैसा कमाने का जुगाड़ बना रहे हैं मैं कहता हूं कि अगर दस हजार रुपया में वो कोई भी व्यक्ति कोई खान सर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति यदि, यदि यूपीएससी लेवल की चीज़ों को उन लोगों से पढ़वा रहा है जो लोग दृष्टि जैसे संस्थान में पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही अच्छा कुछ दे रहा है और अपने आप में ये बहुत अच्छी बात है और एजुकेशन को जो इतना महंगा एजुकेशन है दो दो लाख अढ़ाई अढ़ाई लाख रुपया जो है कोचिंग का फी होता है जो कि सारे बच्चे जो है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और खान सर हर मंच से हर लोगों से ये बात कह रहे हैं कि भाई उनका एक मिशन है और खान सर एक मिशन पे हैं उनका मिशन क्या है उनका सीधा मिशन है गांव तक पहुंचना वो गांव को टारगेट कर रहे हैं गांव के बच्चे जो किसी कारणवश I mean आई मीन आर्थिक कारण आर्थिक परेशानी की वजह से जो नहीं पढ़ पाते हैं वहां वो लोग पढ़ पाए कम पैसे में दस हजार रुपया कोई बहुत बड़ी फी नहीं होती है हालांकि जो यूपीएससी का उन्होंने फी दस हजार रुपया रखा है वो इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदी मीडियम के लिए साढ़े सात हजार रुपया है और जो बीपीएससी का जो उन्होंने रखा हुआ है वो साढ़े चार हजार रुपया है तो ये जो इस तरीके से उन्होंने जो बाइफर्केशन करा है फी का वो वास्तव में बहुत ही अच्छा स्टेप है और मुझे ये लगता है कि जो लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वे कौन लोग हैं वे बस दो तरीके के लोग हैं मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ दो तरीके के लोग हैं एक जो आ, आ, मतलब उनके उनके बारे में शिकायत करके उनकी आलोचना करके जो फेमस होना चाहते हैं ये वे लोग हैं बस दो ही लोग हैं एक वे लोग हैं जो मतलब कहते हैं ना कि हाँ कभी कभी कोई बड़े आदमी को टारगेट करके इंसान जो है कि बहुत ऊंचाई तक यानी जो निगेटिव पब्लिसिटी जिन्हें चाहिए होता है वो मैंने निगेटिविटी फैला करके जो पब्लिसिटी जो लोग गेन कर रहे हैं जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी चैनल्स हैं या जो मीडिया चैनल वगैरह आजकल तो बहुत सारे लोग हैं ये लोग जो निगेटिविटी फैला रहे हैं ये अपने ये मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने व्यूज के लिए ये कर रहे हैं और किसी भी एक टीचर के बारे में जिस इंसान ने दिया है समाज को अब कोई एक मैं वीडियो सुन रहा था वो खुद को पत्रकार बता रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो खान सर का दो साल पहले इंटरव्यू भी कर चुके हैं अब उस शख्स ने कहा बहुत गंभीर सवाल उठाया उसने कहा कि कपिल शर्मा शो में जब खान सर जाते हैं तो वहाँ पर वो दो झूठ बोलते हैं और ये बातें केवल उसने ही नहीं कहा अन्य लोगों ने भी जो भी लोग हैं जो खान सर के विरोध में बोले वो ये चीज़ कि वो दोनों कहानियाँ झूठी हैं और अगर ये झूठी नहीं है तो खान सर को चाहिए कि वे उसका नाम पता जारी करें अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक लड़की ने खान सर को ये कहा कि भाई मुझे आप सुबह में क्लास दे दीजिए क्योंकि शाम में मुझे बर्तन माँजना वगैरह होता है या कुछ काम मैं इस तरीके का मैं करती हूँ तो ये क्या उस लड़की क्या ये सही है डिमांड कि उस लड़की का नाम पता खान सर उन लोगों को दे दें जो सस्ती लोकप्रियता के लिए एक अच्छे टीचर की इस तरह से आलोचना करें एक टीचर का जो है मान सम्मान ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं फिर उसने कहा अन्य अन्य लोग जो कह रहे हैं कि कपिल शर्मा शो में एक और झूठ बोले खान सर और वो बोले एक लड़का कोई है वो तैयारी करता है और वो बालू ढोने का काम करता है तो लोगों ने कहा कि भाई एक यूपीएससी लेवल का या कोई कॉम्पिटिशन का कोई एग्जाम देने वाला लड़का बालू क्यों ढोएगा मैं वो क्यों ढोएगा वो तो पढ़ा करके भी अपने पैसे कुछ अर्जन कर सकता है ट्यूशन दे करके भी अर्जन कर सकता है देखिए ये एक सच्चाई है कि जो लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि कोई बर्तन मांझ के पढ़ाई नहीं कर सकता है कोई ईंटा ढो करके बालू ढो करके पढ़ाई नहीं कर सकता है वो वो पढ़ा करके तो पढ़ाई कर ही सकता है मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई किस आदमी के साथ कौन सी परिस्थिति है कोई नहीं जानता है सही है वो पढ़ा करके भी कर सकता है हो सकता उसे ऐसा नहीं मिलता हो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं बहुत सारे कारण हो सकते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ ये दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में भाई लड़के जो लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाते हैं लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये लड़के जो हिंदुस्तानी लड़के या दुनिया के अन्य देश जो गरीब देश के लड़के वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए वो खेतों तक में काम करते हैं वो खेतों तक में काम करते हैं हो, होटल वगैरह में बेटर वगैरह का काम करते हैं बर्तन मानने झाड़ू बहाड़ू बहुत माने डोमेस्टिक हेल्प का काम करते हैं बहुत तमाम तरह की चीज़ों को वे करते हैं विदेशों में भी और हिंदुस्तान में भी जो लड़के अपने शहर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं आप जाइए हमारे बनारस में आप जाइए आप दिल्ली में जाइए मुंबई में जाइए जहाँ पे जो बाहरी लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं आसपास के शहर के या किसी दूसरे स्टेट के लड़के वो सभी लोग ट्यूशन पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं सभी लोग को ट्यूशन नहीं मिलता है और ट्यूशन कैसे मिलेगा ना वो उसका अपना शहर है नहीं अपना शहर नहीं है उसका वो कौन उसको जानता है कौन उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए देगा कैसे वो अपने आप को तो जीने खाने के लिए कुछ दिनों के लिए ही सही वो छोटा मोटा काम कर लेता है होटल में कर लेता है ऑटो चलाने का काम मतलब कोई भी चीज़ वो कर लेता है जिससे उसका गरीब गुजारा गरीबी स्तर से ही चली कि उसका हो जाए तो इस तरीके की चीजों पर सवाल उठाना अपने आप में बेहद दर्दनाक बात है और जो लोग ये कह रहे हैं कि खान सर जो है कि झूठ बोल रहे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए वो गए वहां पे, आई मीन कपिल शर्मा शो पे गए पैसे का लेन देन हुआ कुछ इस तरीके के मानसिकता के लोग अब सोचने वाली बात है कि एक टीचर को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है पहले भी इस शख्स को यानि खान सर को बदनाम करने की कोशिश की गई है 2021 में भी उनके खिलाफ जो है कि लोगों ने अलग अलग ढंग से कुछ विवाद किए रहे वो पंक्चर पुत्र वाले एपिसोड पे कि भाई वो कह रहे हैं खान सर कि हिंदुस्तानी मुस्लिम बच्चों को पंक्चर पुत्र कह रहे हैं जबकि वो ऐसा था नहीं वो 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 पाकिस्तान के संदर्भ में बात की जा रही थी उन्होंने कई बार इस चीज़ का ये किया उसके बाद कहा जा रहा है भाई कि वो नाम क्यों नहीं बताते हैं अपना वो धर्म क्यों नहीं बताते हैं अरे भाई ज्ञान लो ना हमारे यहाँ तो ये पद्धति रही है कि जात न पूछो साधु की पूछ ली जाओ ज्ञान तो कहने का मतलब है कि एक शिक्षक से ज्ञान लो ना उसके जाति पे उसके धर्म पे क्या जाना है अगर वो खान है कि वो मैंने पीटर है कि वो एल्बर्ट है कि वो फर्नांडीज है कि वो पांडे है है ना कि वो यादव है कि वो आ, अली है कि मीन कुछ भी वो हो सकता है क्या होना है कोई ये नहीं है तो एक शिक्षक जो है वो क्या है एक शिक्षक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड होता है अपने आप में वो बहुत बड़ी हैसियत होता है तो उनसे ज्ञान लेने की जरूरत है उनके जाति और धर्म पूछने और जानने में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत बात है अब मैं आता हूं कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल होगा कि क्वालिटी एजुकेशन मैं 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 इस चीज़ को समझता हूं कि खान सर जो हैं वो पैसा कमाने के लिए वाकई नहीं निकले हैं अगर उन्होंने पैसा आ, कमाने के बारे में सोचा होता तो बहुत कमा लिए होते और आज भी वो कमा ही रहे हैं ऐसा कुछ ही नहीं एक हुआ कि लाइफ में अ, मतलब हमें करना क्या है उस आदमी का सीधा गोल है गांव के बच्चों तक पहुंचना हर उस बच्चे को पढ़ाना जो बच्चा आ, आ, पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाता है मैं कहता हूं कि अगर दस हज़ार रुपया दे करके कोई व्यक्ति ऑनलाइन उनका कोर्स परचेज करता है यूपीएससी की तैयारी करता है ठीक है होना ना होना एक और बात है उस इंसान ने ये ज़रूर कहा है कि भाई ठीक है होना ना होना और बात है लेकिन जो है कि जो भी व्यक्ति अगर आई लेवल की जो तैयारी करेगा जाहिर सी बात है कि उसका जो सोचने समझने का जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो होगा बौद्धिक जो क्षमता होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और देश में ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जिन्हें हिस्ट्री अच्छे से आए जिन्हें पॉलिटी अच्छे से आए जिन्हें ज्योग्राफी अच्छे से आए ताकि वे समाज को प्रबुद्ध कर सकें ताकि उन्हें कोई गुमराह न कर सके खासकर मैं ये बात कहता हूं कि हर एक युवक को हर एक ग्रेजुएट युवा को आई की तैयारी करनी चाहिए और जब बिल्कुल अपने जीवन में एक साल कम से कम आई की तैयारी करनी चाहिए वो शायद इसलिए करनी चाहिए ताकि उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके उसके अपने देश के बारे में पता चल सके उसके अपने देश के इकॉनमी के बारे में पता चल सके हिस्ट्री के बारे में पता चल सके कल्चर के बारे में पता चल सके आठ, चूँकि सारी चीज़ें वो पढ़ेगा तो खान सर यदि मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन अगर वो पहुँच रहे हैं लड़कों तो इसमें बुरा क्या है जो कोचिंग वाले हैं जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी फी लेकर के और जो आज तक मैंने वो चल रहे थे दो दो लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपया ये करके और उनका ऐसे रिजल्ट कितना होता था है? कितना रिजल्ट होता था सात सौ मात्र सीट होता है सात सौ आठ सौ सीट में कितना रिजल्ट होता था और लाखों और एक 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 लड़के, लड़के बंद हो, हो रही है तो जाहिर सी बात हो तो टारगेट तो करेंगे ही करेंगे और ये टारगेट करने का क्या ये जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं उन लोगों को लोगों पकड़ा है ये लोग भी निगेटिव पब्लिसिटी करके अपने सब्सक्राइबर्स व्यूज फैन फॉलोइंग ये सारी चीज़ें के चक्कर में ये लोग भी खान सर जैसे टीचर के uh, इज्जत पे हमला कर रहे हैं खान सर जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हमला कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत गलत है खान सर का इंटेंशन सीधा है और वो ये है कि उन्हें भारत के हर बच्चे को शिक्षित करना है और हर बच्चे के अंदर वो आई वाली दिमाग डालना है हर बच्चे के अंदर बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और हमें लगता है कि जितने भी यूथ्स हैं जो हमें सुन रहे हैं सभी लोगों को खान सर के इस पूरे जो उनका जो मुहिम है उनका जो ये है उसमें बिल्कुल भागीदारी होनी चाहिए उनको सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फैसला है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आप उनके कोर्स खरीदें या जो भी कर दें ये सब मुझे नहीं मालूम आप क्या करें क्या नहीं करें मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उन पर सवाल उठ रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है बाहियात है और ऐसा सवाल एक शिक्षक पे एक ऐसे शिक्षक पे जो समर्पित होकर के जिसने पढ़ाया हो और लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो ज़िंदगी भर आई I मीन mean, एस एस सी पढ़ाए रेलवे पढ़ाए तो यू पी एस सी को क्या पढ़ाएंगे अरे भाई वो यू पी एस सी का तो कोई क्लास भी वो नहीं ले रहे हैं खान सर ने कहा, कहा कि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा यू पी एस सी लेवल का खान सर ने कहा, कहा कि मैं जो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा यू पी एस सी का वो तो बा व सही बात है वो रेलवे एस एस सी वगैरह वो पढ़ाए उन्होंने यू पी एस सी का कभी जिक्र नहीं किया कि मैं वो एज़ ए फैकल्टी वहाँ पर पढ़ाएंगे उन्होंने कहा भी नहीं तो भारत के क्रीम क्रीम टीचरों को वो लाए हैं उनका एक टीम बनाया है और वो पूरे भारत के लोगों तक को पहुँचेंगे हर स्टूडेंट तक को पहुँचेंगे यही उनका सपना है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा सपना है और सभी लोगों को उनके इस सपने को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए आज भाई इतना ही थैंक यू